तीन चार जिले आप तो इन्वॉल्व हैं, हमारा पिंडी भी है जी। और अटक भी बिल्कुल, और साथ खुशाब सरगोधा जेलों जी, ये चारों पांचों जिले जो है ना पिंडी डिवीजन के इसमें इन्वॉल्व में आ रहे हैं। सही, ये एक बहुत बड़ा शौक है, करोड़ों में है आजकल। बिल्कुल, और ऑलरेडी हमारे इस ये जो बैल हमारे पास इसका ऑलरेडी 1 करोड़ जो है वो माशाल्लाह मिलता था, हमने नहीं बेचा। जी ऐसे ये हमारी पहचान है, अपने सवाल की पहचान जबरदस्त। यही सीखिए, मैं हमारे साहब से कहा था कि शौक का कोई बोलने जी, शौक का कोई जी। बहुत शुक्रिया हमारे साहब, बड़ी खुशी हुई जी, और बड़ी खुशी है कि आपने इस काबिल अंदर पैसा तो आने जाने चीज़ है जी, लेकिन ये हमारा एक शौक है जी। और हमारी सकाफत बहुत ही है अभी चकवाल में ज़्यादा जी, ऑलरेडी चकवाल में बहुत ज़्यादा सकाफत जी। बाकी लोगों ने ले लें चेंज कर लिया या बैलों की ये करा वाले बैल हैं जी, ये जो हमारे होते हैं ये तीन तीन चार चार बंदे जो है वो बैठ जाते हैं पीछे करा पे, और साथ जो है वो मिट्टी भी होती है जी, तो इन्हें खींचना होती है, मतलब आपने खनचिक लाइन खनचिक लाइन था। आप देखते हैं कि कम से कम टाइम में नहीं, टाइम ये हमारा जो होता है ये टाइम नहीं होता, इसमें जो एक हमारे लोग ही समझ सकते हैं, इसकी चाल देखते हैं दान बैल की कि चल कैसे रहा है, ये जितना चल के जाएगा और तेज जाएगा, तेज जाएगा और आगे से ऊपर होगा मुंह इसका जो है ऊपर करके जाएगा, करके कान निकाल के, यानी इसी तरह जैसे मॉडर्न दौर में वाक हां कैट वाक होती है, जो अच्छी जिसकी अच्छी वाक है वो जितना जो है ये अपना आगे से नमूना बनाएगा ना जी, आंख का देखा जाता है, कानों का देखा जाता है, पीछे जो है इसकी पूछ है उसको देखा जाता है। सही, तो इन चीज़ों के टांग जो इसकी लाते हैं वो कैसे निकालता है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। सही, ये हमारे लोग ही समझ सकते हैं, हर बंदा नहीं समझ सकता, जजेस हैं वो जी, वही जजेस भी नहीं, ये आवाम ही जजेस हैं। सही, थैंक यू सर। साहब इनकी तस्वीरें जी, इकबाल बहुत बड़ी गैलरी बनाई गई है माशाल्लाह, काफ़ी गैलरी है जी, तकरीबन मेरा ख्याल पंजाब में वायद जी, इन दोनों की वो मैं बात कर रहा था कि ये हमारे जो बैल हैं ना दोनों जी, ये शबाज़ पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, और ये जो है ये ओकाफ़ पाकिस्तान के, और ये जो हमारी चकवाल में एक ट्रक आर्ट है जी, ये दुनिया की नंबर 1 आर्ट है, जो सबसे बड़ी आर्ट है, यहाँ फॉरनर किस्म के लोग हमारे यहाँ इधर ऑलरेडी फॉरनर यहाँ आए हैं हॉलैंड के भी, और वो सिर्फ ये बैल देखने आए हैं, और ये आप तहसील चौक में जाएंगे तो वहाँ आपको इन दोनों बैलों की जो है वो तस्वीर नजर आती है, बहुत अच्छी, और वो दोनों एक पंजाली होती है हमारी जी, उसमें झुपड़े हुए हैं जी, और बहुत बड़ी ट्रकार्ट है, ये पूरी दुनिया की ये रिकॉर्ड हुआ है जी, ये ऑलरेडी साहब चैनलों ने दिखाया है, जियो IRY और सारे जो 90 जी, ये उन्होंने ऑलरेडी ये दिखाया है, ये इतनी बड़ी आर्ट है और ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट है, और उसमें हमारा ये नेज़ाबाजी है जी, और ये सकाफत जो बैलों की है जी, ये ऑलरेडी बनी हुई है घोड़े, ये माशाल्लाह देख लें कि मेरी हाइट जो है 6 फीट है, और आप दोनों बैलों की हाइट देख लें, ये मुझसे ऊपर जा रहे हैं तकरीबन ऐसा ही, और देख लें वही है कि अच्छी ब्रीड है, अच्छे तरीके से रखे हुए हैं सब, तो ये धनी की नस्ल है ना, ये ऑलरेडी जो है ये जितने ऊपर देखेंगे जी, ये जब तमाशा कर रहे होते हैं तो वो हमारे लोग ही समझ सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया।